हमारे चैनल हंटिंग क्रिस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हंटिंग क्रिस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2017 में आई एक हॉरर मूवी डेमन बेबी बर्थ के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड लेडी की पेंटिंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक औरत कुछ प्रे कर रही थी। पेंटिंग के गले में एक लॉकेट था, वही लॉकेट उस महिला के गले में भी था। उसके बाद हम उस महिला की दो बेटियों को देखते हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम हैजल और छोटी बेटी का नाम होली होता है। उसी टाइम हैजल होली को एक पेंटिंग बनाकर दिखाती है, जो बहुत ही डरावनी होती है। जब दोनों बहनें अपने कमरे में खेल रही होती हैं, तभी हैजल को पीरियड होने लगते हैं। ये सब हैजल के साथ पहली बार हो रहा था। ये बात हैजल अपनी माँ को बताती है। तभी हैजल की माँ कमरे में आती हैं और हैजल को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद होली बाथरूम में अपनी मदर को अपनी बड़ी बहन को मारने की कोशिश करते हुए देखती है। ये देखकर होली बहुत डर जाती है और अपने रूम में छिप जाती है। आखिर हैजल की माँ होली को ढूंढ लेती है और होली को चाकू से मारने वाली होती है। उसी समय होली के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और हैजल की माँ को रोकने लगते हैं। तभी गलती से चाकू होली के पिता को लग जाता है और वहीं पर चाकू लगने की वजह से होली के पिता की मौत हो जाती है। तभी मौका पाकर होली वहाँ से भाग जाती है। अब मूवी में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होली बड़ी हो गई है, लेकिन वो अपने बचपन में हुए हादसे को अभी तक नहीं भूल पाई। होली अपने पति के साथ रहती है, लेकिन वो अभी माँ बनना नहीं चाहती। हम होली के गले में वही लॉकेट देखते हैं जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। तभी सीन शिफ्ट होकर एक मॉल में होली को दिखाया जाता है। वहाँ होली कुछ छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती है। उन बच्चों को देखकर होली को विजन आने लगे हैं। होली डरकर वहाँ से बाहर निकल आती है और अपने घर को जाने लगती है। होली घर पर अपने पति टिम को देखती है, जो एक पेंटिंग बनाकर लाए थे। ये पेंटिंग पूरी तरीके से उसी पेंटिंग की तरह थी जो होली की बड़ी बहन हैजल ने बचपन में बनाई थी। होली एक कांच के टुकड़े को धोकर अपने कमरे में डॉल को सजाने लगती है। तभी होली को वो विजन फिर से आने शुरू हो जाते हैं। होली उनसे ध्यान करने की कोशिश करती है और सो जाती है। अगली रात टिम और होली अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी टिम अपने दोस्तों से कहता है कि वो अब पिता बनना चाहता है, लेकिन होली अभी माँ बनने को तैयार नहीं थी। फिर टिम के दोस्त एक कल्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका पूरा नाम अम्ब्रेला लव माइंड था। इस कल्ट के बारे में टिम को पहले से ही पता था, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड वैली पहले से ही इस समूह से जुड़ चुकी थी। उस कल्ट का अगले दिन एक तो होने वाला था। टिम के दोस्त होली और टिम को वहां आने के लिए कहते हैं। वहां पर होली कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक बच्चा होली के बाल पकड़कर खींचने लगता है, जिस वजह से होली को फिर से वही सपने आने लगते हैं और होली बहुत डर जाती है। उसी रात को होली टिम के पास रखे कुछ रिसर्च पेपर देखती है, जिनमें अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी होली को घर में किसी के होने की आहट सुनाई देती है। होली उसे देखने के लिए जाती है, तभी पीछे से होली के कंधे पर कोई हाथ रख देता है। होली पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी दोस्त वैली दिखाई देती है। तभी अचानक होली की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि होली एक सपना देख रही थी। अगली ही सुबह होली का सपना सच हो गया था, क्योंकि वैली होली के घर पर आई हुई थी। हालांकि होली अपनी दोस्त वैली को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसी रात तीनों उस कल्ट की पार्टी में चले जाते हैं। वहीं होली जब बाथरूम जाती है तो अपने पुराने डर की वजह से टॉयलेट सीट का इस्तेमाल नहीं करती। तभी टिम को एक आदमी मिलता है, जो इस कल्ट में शामिल होने के लिए मोरक्को से आया था। तभी वहां होली कल्ट के लीडर विरोज को बिना कपड़ों के कुछ रिहर्सल करते हुए देखती है। तभी वहां पर वैली आ जाती है। ये देखकर होली वहां से चली जाती है। फिर पार्टी के स्टेज पर कल्ट का लीडर वैरोज आता है। वो कहता है कि हम अपने सपनों में सब कुछ देख सकते हैं, सबका भविष्य बता सकते हैं और कल्ट के सभी मेंबर उसकी फैमिली हैं। तभी वैरोज होली के पास जाता है और कहता है कि वो कल्ट की मेंबर है, और वैरोज होली के सिर पर हाथ रखकर उसके बचपन की सारी बातों को जान लेता है। इसी दौरान होली खुद को एक बाथरूम में देखती है, जहाँ टॉयलेट सीट से बहुत
सारा खून बाहर निकल रहा होता है। तभी वेरोज होली के गले में लटके हुए लॉकेट को देखकर कहता है कि यह वही लड़की है जिसकी उसको तलाश थी। वही अब होली खुद को ज्यादा खुश महसूस करने लगी थी, लेकिन वही टीम को लगता है कि वेरोज एक नंबर का फ्रॉड और चालाक इंसान है। तभी होली टीम को बताती है कि वो वेरोज से मिलने के बाद खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही है। तभी होली वैली से पूछती है कि उसने वेरोज के साथ क्या महसूस किया था, लेकिन वैली होली को कुछ नहीं बताती। तभी होली गुस्से में वैली से पूछती है कि वो 2 साल कहाँ थी, लेकिन वैली होली को कुछ बताना नहीं चाहती थी। जबकि होली ने घर से लेकर पति तक को वैली के साथ शेयर किया था। तभी होली टीम के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही होती है। तभी होली को टीम की जगह वेरोज दिखाई देने लगता है। ये सब देखकर होली बहुत डर जाती है और कुछ देर बाद वो सो जाते हैं, लेकिन होली को नींद नहीं आ रही थी और उसे किसी की आहट सुनाई देती है। होली घर को चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। होली वहीं बैठ जाती है, तभी अचानक वहाँ से कोई भागकर जाता हुआ दिखाई देता है। होली उसका पीछा करते हुए बाहर आकर किसी को एक पुराने घर में उठते हुए देती है। होली को घर के अंदर जाने पर एक औरत खून से लथपथ दिखाई देती है। उसे देखकर वो औरत चिल्लाने लगती है। तभी वो औरत होली के गले में लटका हुआ वो लॉकेट छीन लेती है और बाहर भाग जाती है। तब तक टीम और वैली भी वहाँ पर आ गए थे। तभी वैली होली से पूछती है कि क्या वो औरत तुम्हारी माँ थी, और होली कहती है कि हाँ वो उसकी माँ ही थी। फिर अगले दिन होली कल्ट की पार्टी वाली जगह पर जाती है, जहाँ होली को एक विजिटर नाम की किताब मिलती है। उसमें होली के साथ हुई सभी बातें लिखी हुई थी। अगले कमरे में वेरोज किसी से बात कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि होली ही थी। वहाँ पर वेरोज होली को हिप्नोटाइज करके उसके बचपन में भेज देता है। ये सब देखकर होली परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी होली बाथरूम में जाकर देखती है कि हेजल की मौत उसकी माँ के हाथों नहीं हुई, बल्कि होली के हाथों में एक छोटी सी लकड़ी थी जो हेजल के सीने में घुस गई, जिससे उसकी मौत हुई थी। तभी उसकी माँ विजिटर विजिटर चिल्लाने लगती है। तभी होली होश में आ जाती है। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि हेजल की मौत उसके हाथ से हुई है, ना कि उसकी माँ के हाथ से। कुछ देर बाद होली वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर से होली खुद को अभी कल्ट की पार्टी में ही देखती है और वेरोज खुद से कहता है कि होली हमारी मास्टर विजिटर है। वहीं होली घर पर जाती है और टीम को ढूंढने लगती है। तभी होली को घर में एक लड़की दिखाई देती है जो होली की बड़ी बहन हेजल होती है। होली हेजल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी हेजल खून से लथपथ अपनी माँ में बदल जाती है, जिसे देखकर होली बहुत ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसी समय वैली वहाँ आकर होली को संभालती है और सीन फिर से कल्ट की पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ सभी लोग वेरोज के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तभी टीम को गुस्सा आ जाता है और वेरोज से कहता है कि वो होली के दिमाग से खेलना बंद कर दे। तभी वेरोज अपने आदमियों से टीम की पिटाई करवा कर उसे घर से बाहर फेंक देता है। जब टीम की आंखें खुलती हैं तो उसके हाथ में होली का लॉकेट होता है। तभी सीन फिर से होली और वैली के पास जाता है, जहाँ वैली उसे संभाल रही होती है। तभी वेराज वहाँ आकर कहता है कि ये सिर्फ मेरी मदद से ही बाहर आ सकती है। तभी टीम फिर से वहाँ आ जाता है, लेकिन वेरोज टीम को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देता है। उसके बाद वेरोज टीम के पास जो लॉकेट था उसे लेकर फिर से होली के गले में पहना देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तभी वैली वेरोज से पूछती है कि ये बच्चे कौन है। वेरोज बताता है कि ये सब विजिटर है। ये बच्चे तभी होली को पकड़ लेते हैं और वेरोज एक छड़ी से वैली को बहुत ही धरंदगी और बेरहमी से मार देता है। और तभी हम वैली को अधमरी हालत में कल्ट की मीटिंग में आकर गिरते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई सपने में मरा तो वो हकीकत में भी मरेगा। इसी दौरान वेरोज कहता है कि हम इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। तभी टॉयलेट सीट से निकलकर होली की बड़ी बहन बाहर आती है। इसी दौरान दो बच्चे होली की माँ को घसीटते हुए लेकर आते हैं और वेरोज बड़ी बेरहमी से होली के माँ के चेहरे की स्किन बाहर निकालकर खुद पहन लेता है। होली ये सब देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वो बच्चे होली को पूरी तरह से बिना कपड़ों के कर देते हैं। उसके बाद वेरोज उस लॉकेट को होली के पेट पर रखकर अपने हाथ को होली के पेट पर रखता है। देखते ही देखते होली प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी वेरोज होली के पेट से एक अजीब से क्रिएचर बच्चे को बाहर निकालकर होली के हाथ में रख देता है।
है। होली बड़े प्यार से उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेती है। तबानी हो इसी के साथ होली एक स्टेज पर पहुंचती है जहां सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तभी होली अपने हाथ से हेजल को छूती है और वह एक बूढ़ी औरत की पेंटिंग में बदल जाती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये औरत कोई और नहीं बल्कि होली की नानी होती है। उसके बाद टिम को हम एक पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। इसके बाद होली उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बालकनी में जाती है जहां हजारों की तादाद में उस कल्ट के सदस्य होली के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े होते हैं। तभी अचानक से एक व्यक्ति एक धुन बजाता है और आसमान से हम टेटिकल आते हुए देखते हैं जिन्हें होली अपना बच्चा दे देती है। इसी सीन को हम टिम की बनाई हुई पेंटिंग में भी देखते हैं। वहीं टिम की पेंटिंग की तरफ अगली टिम उस पेंटिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए मारा जाता है और मूवी होली की मुस्कुराहट के साथ खत्म हो जाती है।